नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज की शुरुआत हो गई है शंख नाद से। हर प्रकार के शंख बजे हैं हमारे मित्र के वहाँ। तो हमारे मित्र काफी धार्मिक टाइप के हैं। हम तो जब तक उठे भी नहीं तब तक उनकी पूजा पाठ हो चुकी थी, झाड़ू पोछा लग चुका था। और इसको देख के हमारी मम्मियाँ बिल्कुल ना बोले कि उनके जैसे बनो, ठीक है? भले ही पीछे जो घड़ी रखी है उसमें टाइम बता रहा हूँ तुम्हें दिमाग ही नहीं है, घड़ी रुकी हुई कह देते। तो ये हमारा दूसरा दिन है बेंगलोर में। हमारी दोस्त बना रही है झोई। मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है ना, ना, ना। हम निकल पड़े हैं घर से और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं घूम लें। ये 2 बजे। हाँ, अभी तक बिल्कुल थकान मिटा रहे थे हम बढ़िया करके। ऑटो कर लिया है। थोड़ा सा कंफ्यूज थे क्या करें, ऑटो करें या फिर कार करें। तो मैंने इनसे बोला कि यार खर्चा तो होना ही है, तो हाँ। थोड़ा पैसे बचाते हैं। फोन पे गूगल पे हो गया वो बना ले नहीं। तो हल्द्वानी की नगरी से बाहर निकल कर हम बेंगलुरु की नगरी में घूम रहे हैं ना, वो भी किसमें? ऑटो में। हर तरह से जाना चाहिए, फिर हर समय एसी में भी ठीक ही रहता ना, थोड़ा नॉर्मल एनवायरनमेंट के भी मजे लेने चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं नागार्जुना, जो कि एक रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हमारा होने वाला है लंच। यहाँ पे आने वाला है बर्थडे बॉय। तो बर्थडे बॉय का फेस रिवील करेंगे कुछ ही देर में। बेंगलुरु में क्या है कि एक चीज मैंने नोटिस करी, एक ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा है। ये हर 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में, मतलब 15 किलोमीटर का रास्ता लगभग 1 घंटा और 10 मिनट में हुआ पूरा। अगर आप यहाँ उबर और कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ना, आप या तो UPI करिए या कैश दीजिए, लेकिन अगर आप उसी ऐप के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेरे से बोला था और मैंने देख भी लिया था एग्जाम्पल। शायद तो 2-3 दिन में आता है ना उनके पास। मेरे को लग नहीं है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग इतनी आसान है, क्यों भगीरथ? तो हमारे बर्थडे बॉय आ चुके हैं हमें इंतजार करवा के। अरे बढ़िया लग रहा है यार, मस्त। ये तो वही है जो कल भी थे, ये वही है। नहीं, जिन्होंने हमारी ट्रिप स्पॉन्सर करी है, ये पूरी ट्रिप का खर्चा जिन्होंने उठाया है हमारे भट्ट जी। आज हम लोग खाने वाले हैं नागार्जुना में आंध्रा स्टाइल, एकदम साउथ इंडियन ऑथेंटिक खाना। थैंक यू। पानी डाल के साफ करना पड़ता है। यही है यहाँ साउथ इंडियन लोग। यहाँ के पत्ते इतने बड़े और पहाड़ों के बड़े छोटे होते हैं, क्या बात? तो स्पेशली बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि खाना खाते हैं, घर में भी खाना खाते हैं लोग, नॉर्मल प्लेट पे भी इस पे रख के खाना खाते हैं। ऐसे करेंगे और थोड़ा मंत्र पढ़ेंगे, ओम पवित्र पवित्र वा सर्व विस्थागतो व्याः या स्मित्रे पुण्डरीकाक्षाय सौ भयाभ्यंतरः स्थितिः। मिलेगा ऐसा साउथ इंडिया। अभी अगर तमिलनाडु वगैरह में जाओगे ना, तमिलनाडु में तो और तुमको खाना देने वाले सब एकदम लुंगी में रहते हैं। अच्छा। प्रॉपर धोती पहन के तुमको देंगे और सब खड़े रहेंगे जब तक तुम खाओगे पूरा, मतलब अनलिमिटेड खाना। ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये हमने अलग मांगा। ये दही है, पायसम, बटर मिल्क, रसम, सांभर। ये रसम। और आपको ज्यादा कुछ देखना है तो मेरा भी एक ब्लॉग है यहाँ का। ये करा प्रमोशन। आई बटन अब तो डालना ही पड़ेगा। आई बटन, हाँ आई बटन पे डालो, उसमें मैंने बनाया ऑलरेडी। उसमें नॉन वेज का भी है, उसमें बिरयानी, मटन बिरयानी का भी दिखा। अनलिमिटेड खाना है आपको, अगर राइस मंगाना है और राइस मंगा सकते हो, कुछ भी मंगाना और मंगा सकते हो। और इतना खाना कम से कम हमारे वहाँ 4 लोग तो खा ही लेंगे। 4 जने खाएंगे के बराबर। मेरे घर में से 2-3 लोग खा सकते हैं। तो ये कर्ड है, दही, ये हमारा क्या है कि सिवई है, ठीक है, ये पायसम बोलते हैं इसे। और ये है बटर मिल्क है, ये है रसम और ये है सांभर। सही बोला ना? बिल्कुल ठीक है। दाल होगा, मतलब उड़द की तुर दाल। इसका नाम यहाँ क्या बोलते हैं? पप्पू बोलते हैं। अच्छा। और ये पलिया, ये चटनी। हमारे पप्पू तो जो बेवकूफ होता है उसे बोलते हैं पप्पू। ऐसा बोलो, वायनाड ही वायनाड चलते हैं भाई, गवर्नमेंट है भाई यहाँ पे। हाँ, कड़ी पत्ता यहाँ का फेम है, हर चीज में कड़ी पत्ता। किचन में काम करने वाला मोस्टली उत्तराखंड का ही मिलेगा। अच्छा। भगीरथ हैंगओवर उतार रहा है। तो
जो प्रॉपर तरीका है वो ये होता है कि इसको ऐसे करके फोल्ड कर दो। हमारे तो साउथ इंडिया में थोड़ा सा अपना कल्चर को लेके मतलब प्रॉपर फॉलो करते हैं। ऑथेंटिक खाना इधर ही मिलता है यार, अच्छा खाना। हमारे वहाँ वाले क्या है कि ना तिमिल के पत्तों में खाने की पेड़ ही नहीं मारेंगे तो कैसे होगा, तो ये चीज़ सीखने लायक है यहाँ। तो चलते हैं कबन पार्क। जो अभी एरिया देख रहे हो आप इंदिरा नगर, ये यहाँ का बहुत पॉस एरिया है, जैसा दिल्ली में है ना कन्नट प्लेस वैसा ही है। और यहाँ पे एमजी रोड बहुत फेमस है। हम पैदल पैदल हम पूरा बेंगलोर भ्रमण करेंगे। आज से छुट्टियाँ हो गई हैं, 3-4 साल की छुट्टियाँ हैं। हल्द्वानी, लालकुआ, कालाढूंगी, उधर सितारगंज, ऐसे करके मिला के इतना बड़ा है मेरे को लग रहा है। तो रास्ते में चलते चलते हमें जो मिल गया है वो है कटहल जैक फ्रूट। तो ये पका हुआ जैक फ्रूट है, बीज है ये खाने वाले हैं, इतने बड़े बड़े कटहल हैं। 8 रुपये पका हुआ कटहल ले रखा है। आदिवासियों जब कटहल पक जाता है तो कटहल को खाते हैं, गाय को नहीं खिलाते। उसके बाद कटहल पकेगा मैं ठेला लेके शुरू हो जाऊंगा, बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा मैं। बिजनेसमैन को मिलता है जब वो आता है तो उसको बिजनेस आइडियाज मिलते हैं, तो मेरे को बिजनेस आइडिया मिला है। सारे पके हुए कटहल फ्री में ले लूंगा और भेज दूंगा ठेले वाले को पकड़। हाँ। उसको लगा स्टार्ट कर। अगर आप ट्रेन को कन्नड़ा में देखेंगे तो उसमें ये लिखा रहता है, वो देखिए कोशिश करिए उसको पढ़ने की, नहीं आ रहा पढ़ने में तो नीचे से पढ़िए। हाँ, यहाँ पे नम्मा मेट्रो का एक ऐप है, इसके थ्रू आप QR कोड निकाल सकते हो। हाँ। मैंने ऑलरेडी QR कोड निकाला है। हाँ। 51 का, तो ये दिखाने का और आगे बढ़ने का, मतलब ये 3 जनों का हो चुका है। मतलब वो QR जो था दिखाया था हमने वो 3 बार चलेगा, 3 बार एंट्री हो सकती है, 3 बार एग्जिट हो सकती है। हाँ, हम 3 मेट्रो कार्ड लेके चलते। तो भगीरथ आपको कैसा लग रहा है मेट्रो मेट के? तो ये अब हम जा रहे हैं कब्बन पार्क। आप देख सकते हैं टाइम कितना हो चुका है, 4:30 हो चुका है। वीकडेज है तो ज्यादा भीड़ भी नहीं रहेगा, वीकेंड पे बहुत क्राउड रहता है। जो है वो प्लेन है और वो जा रहा है सीधे, वो जो बिल्डिंग है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL का। एंटर कर रहे हैं कब्बन पार्क में, कब्बन पार्क। पुराना पेड़ है तू सोचना। हाँ वो देखो ना, इतना पुराना पेड़ देखो। विजय माल्या में लाख बुराइयां थी पर उसने कभी भी किंगफिशर की रेट बढ़ाकर अपने भाई बेटे की शादी नहीं की। भगीरथ के फ्रूट खाने का टाइम हो गया। और क्या खा रहा है आज? कटहल फ्रूट खा रहा है। कैसा हो रहा है? इसने पहले ही एग्जॉटिक कैबियत के मुँह में घुला भी नहीं, एक बार पहले खाया था टुकड़ा। सही हो रहा है। मेरा अनुग्रह है आप पका हुआ कटहल जरूर खाएं, एक बार ट्राई मारें तब पता लगेगा कि आपको एग्जैक्ट क्या है ये। तो ये वाकई में मतलब जो कह रहे थे वैसे ही हो रहा है। हाँ, आज तक कहाँ छुपा हुआ था ये? बैंगलोर में छुपा हुआ था ना। सब्जी के ठेले में कटहल मिलेगा, वहाँ फल के ठेले में कटहल मिलेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं वहाँ से। कब्बन पार्क घूमते घूमते हमें ये पता लगा कि एक तो यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट है, जो सामने आप देख रहे होंगे तो वो यहाँ का हाई कोर्ट है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है वो भी यहीं पर है, मतलब बैंगलोर का सेंटर एरिया है। हाँ। यहाँ से मैजेस्टिक भी आपको बहुत नज़दीक पड़ेगा। मैजेस्टिक जो है मेन बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है यहाँ। अगर मैंने भी अच्छे से पढ़ा होता तो और यहाँ मैं यहाँ रहता तो मैं यहीं कर रहा था प्रैक्टिस। अब नहीं पढ़ता ना, अब बच्चा अच्छा पैदा करने का। क्या पढ़ा तूने बता, क्या ना सेंटेंस में बता तूने क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा क्या कैसे टॉर्चर कर सकते हैं बीवी को बिना गए की दिक्कत हो। कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, टॉर्चर से बचा जा सकता है, दोनों चीज कर भी सकते हैं। तो अभी तक एक चीज जो नहीं हुई है, कोई भी ऐसा इंसान है यार आपके जोशी स्टोरीज से आपको हमने कहीं देखा है? एक बंदा जोशी स्टोरीज को जानता है वो यहाँ हमारे साथ। मैं जानता हूँ। बताओ कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कैमरा नहीं था ना, ग्रोथ होने लग गई। नहीं नहीं मैं बताऊँ, क्योंकि आप जो आपकी धर्म पत्नी है प्रॉपर रेट वो नहीं कर रहे, मतलब कहते हैं खुश दिल खुश, क्योंकि दिल से जो निकला हुआ आशीर्वाद। कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो, एडिटिंग तो इसके हाथ में ही है। उसको बेचैनी हो गई है, तभी तो हम नहीं जा रहे कहीं घूमने के लिए, हम घर जाएंगे। तो मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी, बच्चे के साथ ट्रैवल करना और तब जब बच्चा क्या है कि चलने को बिल्कुल उत्सुक हो, बहुत कठिन है। तो हम अपने होम स्वीट होम में वापस जा रहे हैं, पर अभी जो होता है बेंगलोर में पीक टाइम होता है इसका ट्रैफिक का। पहुंच गए फाइनली 2 घंटे बाद, कब चले थे कब पहुंच रहे। थोड़ा जब लड़कियां मिलती हैं तो फिर थोड़ा बुराई बुराई भी होती है। कॉमन एनिमीज नहीं कही, कॉमन फ्रेंड्स। कौन है अगर आपको आपको लग रहा है कि आप हो तो आप ही हो। लास्ट में खेल गई और अभी हम बेंगलुरु की जो सड़कें हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हम घूम रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं A to B में। नाम लिखा हुआ उसका वो आप पढ़ लीजिए।
ये है यहाँ का मेन्यू और तुम तो कुछ बताए नहीं रहो। भगीरथ को नींद आ रही है। हाँ हर पति का एक ही दुख है कि वेट करो, तो पति हमेशा वेटर बन के रहता है। इंतजार मेरे यहाँ से लेकर हर एक जगह पर है, चाहे शॉपिंग करने में जाओ। हाँ एक साइड लिस्ट पकड़ के बैठ जाओ। मैम ये आपका ऑर्डर जो था ये आ चुका है। थैंक यू सो मच सर। इन दोनों की खातिरदारी में दो वेटर सर्व कर रहे हैं। तो हमने ये ऑर्डर कर रखी है फिल्टर कॉफी। ये क्या है? नीर है, नीर है, नीर डोसा। एन 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 डबल ई आर नीर डोसा। एक रवा मसाला है, एक रवा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी सर्विस अच्छी है। मीठा होता है ये तो नारियल की। क्या है ये? चटनी। नीर डोसा, नीर पानी, नीर। ओ हो, क्या होगा? अनियन का होगा ही होगा। नहीं सॉरी, भूल गया। अनियन यहाँ पे पराठा नहीं होगा, परोटा बोलते हैं। परोटा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। परोटा विद कोरमा। तो सारी डिशें आ चुकी हैं। जो आज की डिश थी वो जीत गई। कौन जीत गया? नीर डोसा जीत गया। जो चटनी थी ना ये वो खत्म हुई। सबसे बेस्ट चटनी है। नहीं चटनी तो भी मीठी चटनी हुई इसकी। बुरादा बारूद। तो हम आ चुके हैं अपने घर में। अब हमारी कल के एक नए शहर में हमें जाना है। तो आज का जो व्लॉग है लेट शुरू हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही, हमने जो पत्ता में खाया ना केले के पत्ते में, वो सबसे बेस्ट था। हमने कटहल का जो पका हुआ रूप खाया वो और अच्छा था। फिर घर आके हमने चाय पी, इनके फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक चुरा के पी। हम साउथ इंडिया को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। डोसा के नाम क्या था? नीर डोसा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और भी नई नई जगह आपको दिखाएंगे। और हम ये ज्यादा एक्साइटेड है कि आप लोगों को कैसा लगने वाला है ये साउथ भ्रमण, जो है हमारा दक्षिण भ्रमण हो रहा है। और तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय बाय। टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। तो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।